और आगे भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खुरई वालों, जितने विकास के काम हमने किए कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? इतने वर्षों तक कांग्रेस रही, क्या हालत मध्य प्रदेश की कर दी थी? गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा। अरे भैया, जब सागर आते थे तो रोड से नहीं आते थे, बीना उतरते थे रेल से, और बीना से फिर रेल से बैठ के आते थे। तबाह और बर्बाद करने का पाप दिग्विजय सिंह ने किया, कांग्रेस ने किया, और आज अगर आबाद किया और फिर से विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और केवल विकास के काम नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, हम परिवार चलाते हैं परिवार। ईमानदारी से मुझे बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, और मामा लगता हूं कि नहीं? अपन कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, परिवार के सदस्य हैं। और जैसे परिवार का कोई मुखिया अपनी जनता का ध्यान रखता है परिवार का, वैसे ही अक्षरशः रखने की कोशिश हमने की, वैसे ही रखने की कोशिश। आप गवाए 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, एक नहीं कई बड़े फैसले, और ये हमने कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। अरे कभी ऐसी योजना सुनी थी कि लाडली बहनों के खाते में सीधे पैसा हर महीना आ जाएंगे? मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता था, तुम्हारी परेशानी जानता था। अगर 1000-1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो बहनों को हाथ फैलाना पड़ता था। बेटा बेटी कह दे कि माँ कपड़े दिला दे तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि दिलाने के पैसे पास नहीं होते थे। और इतने मेरे मन में आया कि बहने मुझे भैया कहती है, सावन के महीने में भैया अपनी बहन को लिवा के ले जाता है तो कपड़ा देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई चीज तो देते ही है। मेरे दिल में भी आया कि शिवराज कैसा भैया है रे, तेरे रहते हुए बहन परेशान हो, कैसे काम चलेगा? और इसलिए बहनों के लिए कुछ कर। ये विचार मेरे मन में आया तो मैं सोचता रहा क्या करूं। फिर एक विचार और आया कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे, हर महीने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरे बहनों और भाइयों, ये योजना नहीं है, ये केवल पैसा नहीं दिया। मेरी बहनों, मैंने तुम्हें मान दिया है, सम्मान दिया है, तुम्हारा हक दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है। और अब बहनें ही बताती आजकल मुझे, भैया अब तो घर वालों की भी नजर बदल गई है। मैंने कहा क्यों? बोले सास भी बड़े प्रेम से बोल रही है, बहू आ गए कि नहीं आए? और कहती रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। और पतिदेव भी आते हैं तो कई बार कहते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, आ गए कि नहीं आए? सचमुच में जिंदगी बदल गई। कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए। एक बहन ने मुझे बताया कि भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़े सी के और ज्यादा पैसे कमा रही हूँ। कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई ने और कोई काम शुरू कर दिया। ये केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। लेकिन कांग्रेस को बड़ा दर्द हो रहा है। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हमारे वित्त विभाग के अफसरों को धमकाया कि पैसे का इंतजाम कहां से कर रहे हो, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि इतने पैसा कहां से देंगे। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, सब योजना बंद कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर पैसे नहीं तो काहे मुख्यमंत्री बन गया भैया? अरे ये तो बड़ा सस्ता बहाना है, कोई भी कह देगा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन मामा कहता है चिंता मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब चाह होती है मैं राह को निकलना पड़ता है। और ये लाडली बहना है रुकने नहीं वाली, 1000 के अब 1250 हो गए, और पैसे का इंतजाम करूंगा, फिर 1500 करूंगा,
और बहनें बहुत है मेरी 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। और कई कह रही हम रह गए भैया, तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। 1,32,00,000 बहनों का भाई, 16,000 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ेगा। लेकिन यही नहीं रुकेंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। 1,250, फिर 1,500, फिर 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750 और अंत में बताओ कभी कांग्रेस ने ढेला दिया था क्या? तड़प थी मन में बहनों की स्थिति सुधरे। क्या औरत जात आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या वो दुखियारी रहेगी जिंदगी भर? क्या उनको मुस्कुराने का हक नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? और अगर लाडली बहना योजना है तो उनका हक और अधिकार उनको देने की योजना है, उनका हक और अधिकार। और देखिए जब परिवार चलाते हैं तो परिवार का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद निःशुल्क राशन मिलता है। और एक बात और, वो भी नोट कर लेना, कई लोग मुझे मिले गरीब, कह लगे भैया मामा अब घर में रहने की जगह ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले दादाजी का मकान था, उनके 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4-4 हो गए, फिर 4 आ गई, अब रहे का जगह ही नहीं है। चल रहे तो हमने योजना बना दी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और ये तय कर दिया कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, घर छोटा है, एक घर में कई परिवार रह रहे, वो चिंता ना करे, उनको निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा, रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। अब हमारे दिल में तड़प है, दर्द होता है, छोटी सी जमीन का टुकड़ा दो, और केवल इतना ही नहीं, फिर उस पर मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान की सूची के अनुसार हमने 44,00,000 मकान बना दिए, 44,00,000। लेकिन कई लोग रह गए, आवास प्लस की सूची में भी उनके नाम नहीं है, पीएम आवास योजना में छूट गए, तो हमने नई योजना बना दी सीएम आवास योजना, और उसके आवेदन भर रहे हैं। सबको पता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नहीं है तो सुन लो, आवेदन भराना शुरू कर दिए। जो कच्चे घर में रह रहे हैं, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है असिंचित, 2.5 एकड़ तक सिंचित, और जो इनकम टैक्स नहीं देते, वो अगर कच्चे झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनको पक्का मकान दिया जाएगा, पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। अरे बड़ा बंगला नहीं हो, छोटा सा घर, तो ये परिवार है, सरकार नहीं है, बेटा बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था है। दिग्विजय सिंह तुमने सारी योजना हमारी बंद कर दी थी, मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए, तुमने साइकिलें छीन ली, इतनी योजना है, संबल योजना तुमने बंद कर दी, बहनों की बेटा बेटी मजदूर बहन जन्म के पहले 4,000 और 12,000 में देता था वो बंद कर दी, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, तुमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन शुरू नहीं किया, और आवास योजना के पैसे आए प्रधानमंत्री जी ने भेजे कमलनाथ तुमने वापस कर दिए, शर्म नहीं आती तुम्हें? जनता के साथ छल और धोखा किया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आते ही सारी योजना हमने फिर प्रारंभ कर दी। बेटा बेटी दूसरे गांव 5वीं पास करके 6वीं में स्कूल में जाए तो 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डाले, 8वीं पास करके 9वीं में जाए फिर 4,500 डाले, 75% अगर 12वीं में लेके आए तो मामा ने फिर से लैपटॉप दिलवाए जो कमलनाथ ने छीन लिए, और अपने हर सेकेंड स्कूल में जो पहले नंबर पे आए उनको स्कूटी दिलवाने का काम भी किया, तो मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और एक बात सुन लेना, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, 2 फैसले पुष्कर जी, हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि हम मेडिकल की पढ़ाई, अब बताओ ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, छल अंग्रेजी में ही होगी, बताइए अंग्रेजी में, अब हमारे गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? बताओ, अरे जोर से बोल के बताओ, हम अंग्रेजी नहीं जानते, हमारे बच्चे नहीं जानते, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला के बच्चे नहीं जानते अंग्रेजी, किसान के बेटा बेटी नहीं जानते अंग्रेजी, अब अंग्रेजी अंग्रेजी रहेगी, तो ये षड्यंत्र था कि इनके बच्चे रह जाए, केवल कुछ बड़े लोगों के बेटा बेटी डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बने। एक भाई बेटे ने मुझे कहा मेडिकल में एडमिशन में पढ़ाई छोड़ दी, क्या क्यों छोड़ दी? बोले मामा अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही, अब हमने फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में।
बोलो होना चाहिए कि नहीं, हमने कर दिया फैसला। और एक फैसला और, सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल में रिजर्वेशन दे दिया, 5% बच्चे सरकारी स्कूल में नीट की परीक्षा जो पास करेंगे अलग मेरिट लिस्ट बन के उनको डॉक्टर बनाएंगे, गरीब के बेटा बेटी भी आगे पढ़े। ऐसे कई फैसले किए। और आप जानते हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करना, मामा काय के लिए। अगर उनका, हमारे बच्चों का एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और वो मेधावी विद्यार्थी हैं और परिवार की आय 8 लाख तक है तो फीस की चिंता मत करना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 12 लाख रुपया साल फीस लगती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे दे सकते हैं क्या? तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, काय की चिंता, परिवार की सरकार। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी की, 3,61,00,000 हमने रजिस्ट्रेशन करके कार्ड बना के दे दिए। ये जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। दिग्विजय सिंह धमका रहे थे वित्त विभाग वालों को, ये पैसे कहां से ला रहे हो, ये पैसे कहां से ला रहे हो? अरे हमारे पास है तो ला रहे हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए धन आता रहेगा। और भूपेन जी, आज आपने खुरई में फिर अनेकों सौगात मानी, मैं तो तैयार होके नहीं आया था। मैंने कहा अब तो भरपूर हो गया, अब क्या कमी है। और इसलिए अभी तो आपका अस्पताल का आपने ऑप्शन दिया है, वो ही अस्पताल 150 बिस्तर का आपने कहा है, वो बढ़ा के 150 बिस्तर का अस्पताल कर दिया जाएगा। बाद में देखेंगे मेडिकल की तरफ भी हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। अब मैं सब चीजें बोलूंगा तो देर बहुत लगेगी, लेकिन आपने एक जगह कॉलेज की बात कही, बांद्री में, आई बरोदिया में, तो बरोदिया में कॉलेज और बांद्री में ITI खोल दिया जाएगा। बाकी एक बहुत बड़ी घटना भूपेन जी ने जिसका जिक्र किया, 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है अपने बिना में, 50,000 करोड़ का, 2,15,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा, इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। जमीन के रेट कितने हो गए वहां पता है? जमीन के रेट बंबई के आसपास पहुंच गए, वहां इतनी इंडस्ट्री आ रही है। और भूपेन जी, सीधे भोपाल से बीना, बीना से खुरई और खुरई से सागर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, यहाँ कारखानों की झड़ी लगाई गई। और ये यहाँ जो जो खाली जमीन है सरकारी, उसको हम रिजर्व करवा रहे हैं ताकि नई नई इंडस्ट्री वहां आ सके। और खुरई वाले भी इंडस्ट्री लगाए, भाई महेश्वरी जी आओ यार, आगे लगाओ इंडस्ट्री, अपना राज्य क्या चिंता करते हो आप, अपन भी इंडस्ट्री लगाए, कोई बाहर वाले थोड़ी आएंगे। यहाँ के बच्चों को मैं अपील करता हूँ, तुम लगाओ इंडस्ट्री, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत तुमको लोन मिलेगा जिसकी गारंटी हम लेंगे और ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। तेजी से आगे बढ़ना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। और इन सब कामों को निरंतर जारी रखने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, फिर से बीजेपी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं, फिर से खुरई में भूपेन जी और भाजपा जीतना चाहिए कि नहीं। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, आशीर्वाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, आशीर्वाद दीजिए मोदी जी को, भूपेन जी को, और आशीर्वाद मामा को भी दे दो सब। बोलिए सब तैयार हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। अब मेरी अगली यात्रा में मुझे जाना है, आप सब बैठिए। हमारे बहुत सम्मानित अतिथि उत्तराखंड के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनने देवभूमि की तकदीर तस्वीर बदल दी है, श्रीमान पुष्कर धामी जी आपको संबोधित करेंगे। उनको सुनने के बाद ही हम फिर आगे जाएंगे। मैं इजाजत चाहता हूं ताकि गुलाबगंज और विदिशा की सभा भी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। एक भानगढ़ में, भानगढ़ में
महेश कह रहे थे गौरव कॉलेज तो कॉलेज खोल देंगे यार हमको, कमलनाथ थोड़ी जो मना कर पूरा, चिंता मत करो जाओ खुल जाएगा कल। और 132 केवी के सब स्टेशन की रजवास है जहां भी उचित होगा तय करके हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठेंगे, भूपेन जी भी यहीं रुकेंगे, मैं अगले कार्यक्रम के लिए जाऊंगा। एक बार पुष्कर जी का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने